जय हिंद साथियों। भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि जून या जुलाई में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं कहता हूं ये एग्ज़ाम बिल्कुल फाइनल हैं, जो जून के लास्ट में और जुलाई के महीने में ये एग्ज़ाम आपके बिल्कुल फाइनल आपके आ जाएंगे। तो मन लगा के अच्छे से पढ़ो, जी जान अपने झोंक दीजिए। यही एक मौका है किसी बच्चे के पास कि आने वाले टाइम में वो जॉब ले लेगा। तो पढ़ना मत छोड़िएगा, पढ़ते जाओ, क्योंकि यही वो टाइम होगा जिसमें बच्चा एक एग्जाम को निकालने का बेस बना देता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से एग्जाम हैं जो आपके अपकमिंग है, जो जून जुलाई में होने वाले हैं। एक बच्चे सबसे पहले आपका जो एग्जाम है यहाँ पे, वो आपका चांस है रेलवे पुलिस के जो वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग जून जुलाई या अगस्त के महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जीके जीएस मैथ और रीजनिंग आपका आने वाला है, एक ही एग्जाम है। उसके बाद फिजिकल पीएचटी पीएमटी, ज्यादा हाइट नहीं मांगी गई है। आप इस एग्जाम को दे सकते हो जो जिसकी एज अभी है। एसएससी का सीपीओ के फॉर्म निकल चुके थे, जिसने सीपीओ अप्लाई किया है जुलाई के महीने में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, इसका तो पता ही है। एसएससी का सीएचएसएल फॉर्म, जो बच्चा 12th पास है, जिसकी 12th हो गई है, जिसकी एज मतलब आई थिंक 28 होगी, ठीक है, उसके बाद जो छूट होती है वो आपको पता ही है। ठीक है, जो एज में आता है, तो जो बच्चा जिसकी 12th हो गई है वो बच्चा सीएचएसएल के फॉर्म भर सकता है। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आप जाइए साइट पे, उसको अप्लाई कीजिए। इसका एग्जाम बच्चे जुलाई में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा का सीईटी फॉर्म निकलेगा जून के महीने में, इसका एग्जाम भी आपका जुलाई में पक्का होने वाला है। हरियाणा पुलिस जो है बच्चे, कांस्टेबल का एग्जाम, इसका भी आपका जून और जुलाई के महीने में फुल चांस है कि आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं, जो भी वैकेंसी डीएसएसबी के निकली हुई है, जून जुलाई के एंड में इसका भी एग्जाम पॉसिबल है, ये एग्जाम आपके हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे आपका एनवीएस का एग्जाम, एनवीएस में वैकेंसियां आई हुई थी, आपने देखा है पीछे से, तो एनवीएस का फॉर्म जिसने अप्लाई किया हुआ है, तो बच्चे उनका एग्जाम भी जून जुलाई में हो जाएगा। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हो, कॉमन बैच है ये सभी एग्जाम्स के लिए, रेलवे पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, आपका एचएसएससी के लिए, है ना, एनवीएस के लिए कॉमन बैच है बच्चे। जो भी बच्चा हम लोगों से पढ़ना चाहता है, हम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, ईसी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और 7799 फीस आपकी है। तो मैं कहता हूं अभी जाइए इस बैच को लीजिए, और मन लगा के अपना 100 का 100 लगा दीजिएगा। जिसका मन है, जिसका नहीं मन है, जिसको लगता है कि हम पहले बैच ले चुके हैं, वो अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन सेल्फ स्टडी ही होता है, उसी के दम पे आप लोग एग्जाम निकालोगे। ठीक है, तो भाई ये आज की न्यूज़ थी, इनसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई जून जुलाई में एग्जाम आने वाले हैं, हम लोगों के पास केवल 2 महीने हैं, तो मन लगा के अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये एक मोटिवेशन होता है। तो आप जून जुलाई को अपने माइंड में सेट कीजिए और अपना 100 का 100 लगा दीजिएगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई साहब, होती है तो हौसलों से उड़ान होती है, और इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत बढ़िया वे में पढ़ना है। तो आप लोग यदि बहुत अच्छे वे में बेस प्लस आप क्वेश्चन एमसीक्यूज मॉक चाहते हो, अभिमन्यु बैच में पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।